प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा आयुष एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने महेश्वर के मां अहिल्या घाट पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय 26वें निमाड़ उत्सव का शुभारंभ किया। यह शुभारंभ इस मायने से भी ऐतिहासिक हो गया है कि यहां पहली बार राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से 2 कला साधकों को सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 के राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान मालवा की लोक कला परंपरा कलाकार श्रीमती कृष्णा वर्मा और 2018 का सम्मान मधुबनी चित्रशैली की संरचना करने वाली श्रीमती शांति देवी को दिया गया। इससे पूर्व प्रदेश की संस्कृति मंत्री डॉक्टर साधो ने मां नर्मदा का पूजन अर्चन करते हुए मां नर्मदा की आरती की। मंच पर दीप प्रज्वलन के पश्चात कलेक्टर गोपाल चंद डार ने राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से सुशोभित होने वाली 2 कला साधकों का प्रशस्ति वाचन किया। इस दौरान खरगोन विधायक रवि जोशी, पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे, जिला पंचायत CEO DS रणदा, समाज सेवी देवेंद्र साधो सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारियों के साथ विशाल जन समूह मौजूद रहा। संस्कृति मंत्री डॉक्टर साधो ने शुभारंभ अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सभी संस्कृतियों का एक गुलदस्ता प्रदेश है। यहाँ सभी संस्कृतियाँ पले और पनपे, ऐसे प्रयास विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि यह विभाग मुझे सौंपा गया। संस्कृति विभाग की सभी अकादमियाँ सही रूप से विकास करें, विकास द्वारा सभी विचारधाराओं को सम्मान मिले, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। 17 माननीय कृष्णा वर्मा, मालवा की लोक परंपरा की विनम्र संवाहक सुपरिचित कलाकार श्रीमती कृष्णा वर्मा का जन्म 9 मार्च 1956 को उज्जैन में हुआ। वे अपने समय के प्रतिष्ठित एवं गुणी माचकार स्वर्गीय सिद्धेश्वर सेन की सुपुत्री है, जिन्होंने बचपन से ही अपने घर में कला का वातावरण देखा और पिता का रचनात्मक सानिध्य प्राप्त किया। श्रीमती कृष्णा वर्मा ने 5 साल की उम्र से ही अपनी कला सीखी। विभिन्न त्योहारों पर गोबर, फूल और पत्तियों तथा रंगों से कलाकृतियों को बनाकर उन्होंने जो निपुणता हासिल की, उसमें उनको व्यापक पहचान और सराहना मिली। धीरे धीरे वे उज्जैन से निकलकर पूरे मारवांचल में परंपरागत चित्रावण शैली की सिद्ध हस्त कलाकार के रूप में जानी गई। श्रीमती कृष्णा वर्मा की प्रतिभा इन मार्गों में अत्यंत रेखांकित करने योग्य रही कि उन्होंने इसके साथ साथ अपने पिता की संगत को नहीं छोड़ा और प्रस्तुत किए जाने वाले मुझे संस्कृति विभाग का दायित्व सौंपा है। मुख्यमंत्री जी के अनुरूप जो उन्होंने चाहा है, उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन संस्कृति विभाग में करें। संस्कृति विभाग में जितना भी हमारी अकादमी है, यही भी हमारी संस्कृति विरासत है, उसका सही रूप में संरक्षण, समाधान, उसका विकास हो, सभी विचारधारा को समान रूप से महत्व मिले, ऐसे प्रयास, ऐसी अपेक्षाएं हम लोगों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किए। 8 महीने हुए हैं जिसमें 4 साढ़े 4 महीने आचार संहिता, लोकसभा चुनाव, झाबुआ का चुनाव, उपचुनाव, उसमें हमारे निकल गए। काम करने की मुश्किल से 4 साढ़े 4 महीने के माध्यम से कार्यक्रम हो रहे हैं। इस वर्ष 550वां पर्व गुरु नानक जी जयंती का है और संस्कृत विभाग उसको बहुत बड़े पैमाने में पूरे प्रदेश में फैला रही है और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि अगर देश में अगर नहीं गुरु नानक जी का पर्व 550वां बन रहा है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें मध्य प्रदेश लीड कर रहा है। इसके साथ ही माँ और बापू, बापू हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बहुत जोर शोरों से संस्कृत विभाग पूरे प्रदेश में मना रहा है। इसका भी श्रेय मेरे विभाग के लोगों को जाता है कि उन्होंने तेजी से इस दिशा में काम किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।